नमस्कार, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड में। कहाँ से? रुद्रप्रयाग। काफी दूर से आए हुए हैं। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? सर एक आंख से दिखाई दे रहा था। और बीपी का लेवल काफी बढ़ा हुआ था, 220। ओके, और क्या क्या दिक्कत हो रही थी? शरीर भारी था। अच्छा, शरीर भारी रहता था। और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? अभी रह रहा है शरीर भारी? अभी ठीक लग रहा है? क्या क्या फर्क लग रहा है पहले से? आराम में नहीं लग रही है? ठीक लग रहा है, फिजिकली बेटर लग रहा है? पहले क्रिएटिनिन कितना था आपका? 8.2। कहाँ से टेस्ट कराया था आपने? ये हमने करवाया था अभी कहाँ से टेस्ट कराए हैं आपने? ये कहाँ पर? यहाँ से किसने बताया था कराने के लिए? खुद ही कराए? अब तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। तो क्या दिखाया था आपने एलोपैथिक डॉक्टर्स को वहाँ पे? नहीं, उसके बाद तो अभी दिखाया नहीं। चलते हम यहाँ से। तो ये देखेंगे किस प्रकार। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता। अमा नहीं है? पहले बताया था ना, 4 महीने पहले। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए होता है। अच्छा, ये दवाई तो चलती नहीं। तो ये लेखराज रावत जी हैं और 17 साल की उम्र है। और आप देखिए किस प्रकार से इनका क्रिएटिनिन 7.67 था, यूरिया जो था वो 166 के आसपास था। 21 नवंबर 2018 को आए थे और डायलिसिस बोल दिया था उस समय डॉक्टर ने। ट्रांसप्लांट ही बोल दिया था। अभी तो ट्रांसप्लांट की जरूरत भी नहीं है। ये वाली रिपोर्ट दिखाई आपने? 15 जुलाई 2019 की रिपोर्ट है। क्रिएटिनिन आज 4.7 हो चुका है, यूरिया 76 हो चुका है, यूरिक एसिड नॉर्मल, कैल्शियम नॉर्मल, फास्फोरस 4.8, एएलपी नॉर्मल, प्रोटीन नॉर्मल, एल्ब्यूमिन नॉर्मल, सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो नॉर्मल के रेंज में आते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो पहले 8 था क्रिएटिनिन, उसके बाद 7 हुआ और यूरिया भी बढ़ा हुआ था और 4 हो चुका है ये। दिस इज बिफोर ट्रीटमेंट, दिस इज आफ्टर ट्रीटमेंट। किस प्रकार से इनको फायदा हुआ है आप देख सकते हैं। डायलिसिस के प्रोटोकॉल से टोटली बाहर आ चुके हैं। खाने पीने का जिस प्रकार बताया था वो इन्होंने लग के फॉलो करा, डाइट चार्ट फॉलो कर, और आज जो है ये ट्रांसप्लांट और डायलिसिस से बाहर है। 8 से लेकर 4 क्रिएटिनिन हुआ है इनका, और बहुत ज़्यादा लंबे समय भी नहीं हुआ, और यूरिया भी जो है वो भी काफ़ी रिड्यूस हुआ। तो ये कह सकते हैं कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपलब्ध समाधान नहीं है। आज कर्मा आयुर्वेदा ये सिद्ध कर चुका है कि किडनी का इलाज संभव है, और उसका जीता जागता उदाहरण है आज लेखराज जी जो हमारे बीच हैं आज, और वो बता रहे हैं कि इस प्रकार से उनको ट्रांसप्लांट तक बता के। गंगाराम में क्या बताया? अब तो इस तरह की कोई भी समस्या नहीं है और क्रिएटिनिन भी रिड्यूस होना शुरू हुआ। पहले कभी रिड्यूस होता है? बढ़ रहा था, ये बढ़ ही रहा था। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और बीमारी ऐसी है कि ये बढ़ती चली जाती है। तो बढ़ी नहीं है और रिड्यूस भी हुई है। स्टॉप किडनी डायलिसिस।